लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम से ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, और मैं बोलता हूँ कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में क्रिएट करो ताकि लाइफ में और मज़ा आएगा। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। वेलकम है आपका, सबका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ हम मानसिक रुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं। लोग मेरे पास में आते बोलते कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और एक प्रॉब्लम ठीक किया कि दूसरा खड़ा होता, दूसरा खड़ा कर दे कि तीसरा खड़ा होता। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में लोग परेशान हैं और उनको लगता है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं। एक्चुअली तो रहते छोटे ही हैं, मगर उनको लगता है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे पहले ये बात है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा आप काम कर रहे हो, तो वो काम ध्यान से करना चालू करो, और ध्यान से करना, 100% वो काम में देना, जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% अपना देना, पूरा फोकस रखना, उसकी आदत बना लो। गौतम बुद्धा को एक बार पूछा, भाई एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? तो गौतम बुद्धा ने ये बताया कि भाई जो काम आप कर रहे हैं उसमें ही आप 100% हो। मतलब खाने के समय खाना, बोलने के समय बोलना, सुनने के समय सुनना, टीवी देख रहे तो टीवी देखना, वहाँ पूरा आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन है, अटेंडेंस है, और वो अटेंशन है, और वो वहाँ पूरा देख रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसको एनलाइटनमेंट को तो बुद्धा ने कहा है। क्योंकि आप जब वो पूरा करते हैं तो काम में एक्सलेंस आ जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, एक काम करें उसके साथ में और कुछ काम करेंगे और कुछ काम करेंगे, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बीच में कुछ भी डालने का नहीं, जो वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इसी वक्त वहाँ 100% रहने का है। आप एक घंटा ध्यान लगा के बैठे हो और 5 मिनट भी यदि आप एक विचार के ऊपर स्थिर हो जाते हो और एक विचार करते हो, तो दुनिया के लाखों लोगों से आप आगे हैं। मैं एकदम बोलता हूँ कि भाई इनसाइड आउट होना चाहिए। हमारा क्या है कि भाई हम बाहर बाहर क्या करना है उसमें लगे हुए, अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है उसमें हमको पता ही नहीं कि अंदर क्या कर रहे हैं हम। आउटसाइड इन होते रहता है, मतलब बाहर की स्टिमुलाई आती रहती है, बाहर के लोग आते रहते हैं, बाहर के विचार आते रहते हैं, और उसका प्रभाव हमारे दिमाग के ऊपर होता है। मैं एकदम बोलता हूँ कि भाई इनसाइड आउट का मतलब ऐसा होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका कारण निर्माण करो, उसका पर्पस निर्माण करो, वो क्यों कर रहे हो वो निर्माण करो, और बाद में वो करना चालू करो इनसाइड आउट। जब वैसा करेंगे ना, तो जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका प्यार हो जाएगा, वो प्यार से करेंगे। प्यार किसको बोलते हैं आखिर में? प्यार उसको बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्थिति में हैं, जो भी कंडीशन में हैं, जो भी व्यक्ति के साथ में, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ आप पूरा 100% दे रहे हो और उसमें आपको मज़ा आनंद आ रहा है, उसको बोलते प्यार, लव। उसको बोलते आप पैशनेट हैं वो काम में। तो बी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग, हम बोलते हैं कि भाई पैशनेट रहो, मज़ा आ जाएगा। तो फिर जो भी काम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, यदि आप 100% आप देते हो तो एक्सलेंस भी आ जाएगा, आपको मज़ा भी आ जाएगा, आपका पैशन भी पूरा हो जाएगा, काम भी अच्छा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम लोगों को बदलने में लगे हैं, प्रॉब्लम को डील करने में लगे हैं। प्रॉब्लम को डील मत करो, प्रॉब्लम रहेंगे ही। जिसको प्रॉब्लम नहीं है ऐसा एक भी व्यक्ति हमको मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम तो जहाँ वहाँ है। मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करो। देखो महात्मा गांधी के जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, छोटे प्रॉब्लम, घर के जो घरेलू प्रॉब्लम रहते, फैमिली प्रॉब्लम थे, घर के प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने क्या किया, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। बड़ा प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट किया, इंडिया शैल बी फ्री, और वो भी अहिंसा के माध्यम से। मेरे देश को स्वतंत्रता मिलेगी और अहिंसा के माध्यम से मिलेगी, और उसके लिए मैं मेरा जीवन दे दूंगा, ऐसा उन्होंने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और जब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया तो फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम जो थे उनके लाइफ के, वो आप ही आप निकल गए। तो जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्यार करो, जो काम में मज़ा आता है वो काम करो, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करो, और जो लोगों के लिए है, मतलब अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए आप दे रहे हो, वो जो जॉय ऑफ गिविंग है ना, बहुत ज़बरदस्त है। तो कोई भी प्रेशर आपको कोई काम में आएगा नहीं। प्रेशर हमको तब लगता है कि जब हमारी इच्छा नहीं है, मन नहीं है, हम प्यार का नहीं करते काम के ऊपर, तब प्रेशर लगता है। अपने आप को आप पावरफुल बनाओ, अपने आप को अंदर से इतना पावरफुल बनाओ कि ज़िंदगी आपके ऊपर कुछ भी फेंकेगी
कोई भी प्रेशर डालेगी, कुछ भी समस्या डालेगी, आप उसका सामना ताकत से करेंगे। तो उसके लिए वो होना जरूरी है कि भाई इनसाइड आउट, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और मैं मेरे लिए काम न करते हुए लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, पब्लिक एट लार्ज काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को दे रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी लोगों के लिए है। क्योंकि सेल्फिश जब आदमी रहता है ना तो उसके जीवन में दुख ही दुख होता है। सेल्फिश जो होता है ना वो आदमी अहंकारी बन जाता है। लोग नाम के लिए, फेम के लिए काम करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ नाम, फेम, प्रतिष्ठा, पैसा जो है ना वो बाजू में रखो, आप लोगों के लिए जब काम करेंगे ना तो आप ही आप सब कुछ मिल जाएगा। तो आज से पक्का ध्यान रखो, क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम तैयार करो कि जो लोगों को मतलब फ़ायदेमंद हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट करो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा उससे, ऐसा आपके लिए बड़ा कारण जीने का निर्माण करो, बड़ा रीज़न जीने के लिए निर्माण करो, बड़ा पर्पस निर्माण करो। और वहाँ आप तैयार करते ऐसा पर्पस, देखो ज़िंदगी में कितनी मज़ा आ जाएगी, जीवन बहुत प्यार भरा हो जाएगा और आपकी आयु भी लंबी हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसके बाद में जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, और सबको पावरफुल बनाना, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, और आपके इसमें कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर सवाल आप भेजो, आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी भेजो ताकि हम वो भी वीडियो तैयार कर सकेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।